यह है एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स, यानी कि यह एक डीटीएच प्लस एंड्रॉइड बॉक्स है। साथ साथ आप अपनी नॉर्मल एलईडी को स्मार्ट में चेंज कर सकते हैं इस बॉक्स की मदद से। अगर आप यहां पे एक्सट्रीम बॉक्स खरीदना चाहते हैं या फिर इसको खरीदने की सोच रहे हैं, तो वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ इस बॉक्स से रिलेटेड, जिनको जानने के बाद आप बेटर डिसीजन ले लेंगे कि ये बॉक्स आपके लिए सही रहेगा या नहीं, क्या सचमुच में आपको एक्सट्रीम बॉक्स खरीदने की जरूरत है या फिर आपका काम सिंपल एक एंड्रॉइड बॉक्स से हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के वो दो पॉइंट जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ उनको अच्छी तरीके से समझना, उसके बाद आप यहाँ पे बेटर डिसीजन ले लेंगे कि ये बॉक्स आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं एक मार्वल इंट्रो के साथ। ये जो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स है ये एक एंड्रॉइड बॉक्स है जो कि 9.0 वर्जन के साथ आता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप की फीचर और स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है जो कि इस टाइप के बॉक्स को एक नेक्स्ट लेवल ले जाती है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ टाटा स्काई बिंज प्लस से, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन की लिंक के जरिए उसको देख सकते हैं। अगर मैं उस बॉक्स से इसको कंपेयर करूँ तो ये एक नेक्स्ट लेवल बॉक्स है। वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में ही और समझेंगे कि इस बॉक्स में हमको क्या क्या फीचर, क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। इस एक्सट्रीम बॉक्स की मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म यानी कि YouTube, Netflix, Amazon Prime, G5 इस तरीके के एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके इसके अंदर यूज कर सकते हैं। साथ साथ आपको इसके अंदर कई सारे मैनुअल एप्लीकेशन का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ इसके अंदर बिल्ट इन आपको क्रोमकास्ट का फीचर प्लस गूगल असिस्टेंट का फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इसके रिमोट की बात करूँ तो इसके रिमोट में आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का फीचर देखने के लिए मिलेगा, जिसकी मदद से आप इस बॉक्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल को गेम पैड की तरह भी यूज कर सकते हैं इस बॉक्स से कनेक्ट करके। तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है और साथ साथ बहुत ज्यादा आसान है। इस बॉक्स की स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा कमाल है क्योंकि इसके अंदर हमको एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है जो कि एंड्रॉइड वर्जन पर काम करता है। साथ साथ इसके अंदर 2GB की पावरफुल रैम है, 8GB की इंटरनल मेमोरी है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू। इसका मतलब आप अपने मेमोरी कार्ड के जरिए इसकी जो इंटरनल मेमोरी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल HDD का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी इस बॉक्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बॉक्स के अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आपकी वाईफाई स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है। उसके साथ साथ इसके अंदर बिल्ड इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट मिलता है, साथ में इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है अगर हम कंपेयर करते हैं बिंज प्लस टाटा स्काई के बॉक्स से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी क्यूक अनबॉक्सिंग, जिसमें हमको पता चलेगा इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके अंदर कितने पोर्ट है, किस किस एक्सेसरीज और कंपोनेंट्स के साथ ये हमको मिलता है, साथ साथ किस टाइप की वायर क्वालिटी हमको मिलती है, ये सारी बातें अनबॉक्सिंग में क्लियर होगी। तो क्यूक अनबॉक्सिंग इसकी हम फटाफट से देख लेते हैं। इस बॉक्स की मदद से आप 4K तक की वीडियो स्ट्रीम को यहाँ पे देख सकते हैं या फिर 4K तक की जो वीडियो क्वालिटी होती है उसको भी ये यहाँ पे सपोर्ट करता है। गूगल असिस्टेंट का फीचर इसके रिमोट में हमको देखने के लिए मिलता है, ये पावर बाय एंड्रॉइड है, इसका मतलब इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड वर्जन पर काम करता है। इसके अंदर आप मूवी, ऐप्स, गेम, TV चैनल और सारी तरीके के जो एंजॉयमेंट एप्लीकेशन होती है OTT प्लेटफॉर्म, वो सभी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब आप नॉर्मल जो आपके TV चैनल होते हैं जिसको आप रिचार्ज करके देखते हैं उसको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉटम साइड की बात करते हैं, आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, G5, यूट्यूब और एक्सट्रीम ऐप का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, साथ साथ प्ले स्टोर का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमको कुछ अदर डिटेल देखने के लिए मिलती है, जैसे कि इसके अंदर क्रोमकास्ट बिल्डिंग दिया गया है, 4K तक की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, डॉल्बी साउंड का इसके अंदर हमको सपोर्ट दिया गया है। साथ साथ इसका जो रिमोट है उसको आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ और मोबाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं गेम पैड के साथ। तो कुछ अदर डिटेल हमको बैक साइड में देखने के लिए मिलती है। अब इसको हम बॉक्स में से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये बॉक्स एक्चुअल हमारे पास कैसे आने वाला है। सबसे पहले एक बॉक्स, एक रिमोट कंट्रोल जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक पावर एडोप्टर और साथ साथ में एक HDMI केबल। तो बॉक्स में हमको ये चार एक्सेसरीज देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स के बारे में, तो बॉक्स की लुकिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। अगर मैं इस बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत इसके अंदर दी गई है, प्लास्टिक क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो एक बटन आपको देखने के लिए मिलता है, साइड में आपको यहाँ पे एंड्रॉइड प्लस डॉल्बी ऑडियो का लोगो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको LNB का एक पोर्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे अगर 3 केबल या फिर 3 RCA के थ्रू इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो, लेफ्ट ऑडियो और राइट ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर आप HDMI के थ्रू इसको यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि 180p या फिर 4
4K तक की अगर वीडियो का आप स्ट्रीम करना चाहते हैं तो वो HDMI केबल के थ्रू ही होगा, या फिर डॉल्बी ऑडियो का आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी HDMI केबल ही यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो HDMI केबल का आपको यहाँ पे पोर्ट देखने के मिलेगा, साथ में USB का भी आपको यहाँ पे पोर्ट देखने के मिलेगा जो कि 5 वोल्ट को सपोर्ट करता है, एक इंटरनेट केबल जिसके मदद से आप इसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं यहाँ पे अलग से आपको एक सेकेंडरी USB पोर्ट देखने के मिलता है, साथ साथ में माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है जिसके मदद से आप इसमें मेमोरी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप से हमको मिलने वाली है, डिज़ाइन के मामले में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्लिम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी रिमोट क्वालिटी के बारे में। अगर मैं रिमोट की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, प्लस ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल प्लास्टिक के साथ आता है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इस रिमोट के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट का एक बटन देखने के लिए मिलेगा जिसको प्रेस करके आप डायरेक्टली अपनी वॉइस कमांड से इस बॉक्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजोन प्राइम के डायरेक्टली शॉर्टकट बटन भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं रिमोट की क्वालिटी की बात करूं ओवरऑल, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है, हैंड फील भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ में ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अगर यहाँ पे मैं इसके एडाप्टर की बात करूँ तो इसका जो एडाप्टर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आया है। अगर मैं इसके एडाप्टर की रेटिंग की बात करूँ तो ये 12 वोल्ट का है, यानी कि 12 वोल्ट 2.5 एम्पीयर को ये सपोर्ट करता है, जिसकी वायर क्वालिटी या फिर जिसकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक HDMI केबल देखने के लिए मिलेगी जिसकी क्वालिटी भी यहाँ पे बिलो एवरेज है। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने LED से इस बॉक्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। HDMI केबल और पावर एडाप्टर के थ्रू इसकी आसानी से कनेक्टिविटी यहाँ पे हो जाती है। फर्स्ट बार ये बूट होते समय यहाँ पे टाइम लेगा, आपको सारी गूगल परमिशन को यहाँ पे ओके कर देना है, क्योंकि ये एक एंड्रॉयड बॉक्स है इस वजह से आपकी सारी परमिशन को यहाँ पे ले लेता है, उसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑन होता है। तो जितनी भी परमिशन यहाँ पे लेता है उस सभी को आपको ओके कर देना है, परमिशन को अलाउ कर देना है। एक बार जब आप परमिशन अलाउ कर देंगे तो कुछ इस टाइप का आपका बॉक्स का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ऐप्स एंड गेम में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। जितनी भी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म है, यानी कि यूट्यूब, अमेजोन प्राइम, डिस्नी हॉटस्टार प्लस, G5, इन सभी के हमको यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट दिखते हुए नजर आते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन या गेम को एक्सटर्नल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर के जरिए कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग इशू देखने के लिए मिला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो जिन भी एप्लीकेशन या गेम को आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 8GB की इंटरनल मेमोरी देखने के लिए मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट है वो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता ही है, पर अगर आप एक्सटर्नल यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से यहाँ पे प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपको एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन पैक लेने की जरूरत है, जो कि मुझे 7 डेट का फ्री यहाँ पे मिला है। उसके बाद ही यहाँ पे जितने भी OTT एप्लीकेशन है, जैसे कि अमेजोन प्राइम, यूट्यूब किड्स, स्पॉटिफाई, इस टाइप की एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, और करीब करीब इसके अंदर हमको सभी तरह के पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 3100 रुपीज़ पे करने पड़े हैं। इसका मतलब मुझे 3100 रुपये यहाँ पे करने पड़े हैं मेरे डीलर को, जिसमें मुझे ये एंड्रॉयड बॉक्स प्लस इसके जो इंस्टॉलेशन डिक्स है, यानी कि DTH केबल, डिक्स सेटअप, LNB, ये सारी चीज़ें मुझे मिली है। तो 3100 रुपये में टोटल इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, और लगभग ये 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की इसकी प्राइस अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे चलती है, जिसके बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर मेरा रिकमेंड यही है कि आप इसको ऑफलाइन या फिर आपके नर्सरी की डीलर से बाय करें। इस बॉक्स को बाय करने के साथ साथ मुझे 7 डे का ट्रायल यहाँ पे मिला है। 7 डे के अंदर मुझे 120 चैनल का सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला है, साथ साथ 1 मंथ का एक्सट्रीम सब्सक्रिप्शन मुझे यहाँ पे फ्री मिला है, जिसके अंदर हॉटस्टार, VIP, G5 और एक्सट्रीम प्राइम जैसे एप्लीकेशन मुझे इसके अंदर बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसके लिए मुझे अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2 पॉइंट के बारे में, जिससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि ये बॉक्स आपको खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप एक सिंपल सा बॉक्स यहाँ पे खरीदना चाहते हैं जिसके मदद से आप नॉर्मल चैनल देखें या फिर आपके रिचार्ज चैनल को आप यहाँ पे देख सकें, तो उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक्सट्रीम को यहाँ पे बाय करिए। अगर आपको यहाँ पे एक नॉर्मल बॉक्स चाहिए तो आप टाटा स्काई का बॉक्स नॉर्मल वाला या फिर एयरटेल खरीद सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड बॉक्स चाहिए या फिर एंड्रॉयड आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ एंड्रॉयड बॉक्स की, तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड बॉक्स खरीद सकते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है ये लगभग 1900 रुपये की है अमेजोन पे। और अगर आपको एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ कर सके, OTT प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सके, साथ में रिचार्ज करके आप चैनल भी देख सकें, तो उस कंडीशन में ये बॉक्स आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा बॉक्स आप यहाँ पे बाय करना चाहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।